Hello dear students, very good evening all of you. I'm Pavan Gaukar and guys, yes, we have started with strategic management and we are done with a very basic chapter, zeroth chapter of strategic management. ठीक है, basics of strategic management. अगर आप module ढूंढने जाओगे तो आपको ऐसा कोई chapter मिलेगा नहीं. हमने ये content अलग अलग chapter से निकाल के एक basic chapter बना दिया जिसके help से आपके लिए आगे का comprehension, आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी. ऑलराइट, सो गाइज, हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर पे जंप करें या पहले रिवीजन करें? हाँ, वेरी नाइस. ठीक है, हाँ, लेकिन रिवीजन में याद रखना कि ठीक है, तुमसे उम्मीद है मुझे कुछ? Yes, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना आपसे? ज्यादा उम्मीद मत कर हमसे, मत करो, ऐसा तो नहीं है? ओके, सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. व्हाट इज द हायरार्की? ठीक है, ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक. काफी लोगों ने ऑपरेशनल, टैक्टिकल और फंक्शनल बोला, याद रखना, ये गड़बड़ नहीं करना. ऑपरेशनल यानी ही फंक्शनल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट. अभी आप कौन से लेवल पे हैं? हमारा लेवल ही नहीं है भाई अपना. ठीक है, the term business refers to the state of being busy for an individual, group or organization of a society. हर चीज, राइट फ्रॉम परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एवरीथिंग कैन बी बिजनेस, प्रोवाइडेड इट इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड इट शुड ट्राई टू अचीव सर्टेन प्री डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस? किसी भी लेवल पे हो, हमें सर्वाइवल लेवल पे हो, स्टेबिलिटी लेवल पे, ग्रोथ लेवल पे हो, प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे हो, एक पॉइंट तो कॉमन है, एक ऑब्जेक्टिव तो कॉमन है, एफिशिएंसी. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, एंड बिजनेस को बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन, इट कैन नॉट फंक्शन इन वैक्यूम, इट हैज टू इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड अडॉप्ट द चेंजेस. अगर तुमने एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया तो तुम्हारे साथ मोटरोला हो जाएगा या तुम्हारे साथ नोकिया हो जाएगा. करेक्ट, ठीक है. सो गाइज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट? मल्टीफेसिटेड, फार रीचिंग इंपैक्ट, डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स. करेक्ट, ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? इंटरनल एनवायरमेंट एंड नेक्स्ट, ठीक है. नाउ, ठीक है, रेज योर हैंड्स, कैन यू टेल मी इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या आता है? वेरी गुड साइनी, वेरी गुड रूपल, वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड मानसी. यस मानसी, हाँ, हाँ, करेक्ट, लास्ट वन इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड कि आंसर अभी क्यों आ रहा है एकदम से अच्छे से? उस दिन किसी स्टूडेंट ने गलती करी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, और इसमें माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल का आंसर देने की कोशिश की थी, याद है? एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. तो मिस्टेक्स आर इंपॉर्टेंट, provided we do all the mistakes in the class itself. ठीक है, then external environment के अंदर micro and ठीक है. So guys, all the factors which hit us immediately and which are a latent source, macro. So guys, pledge GST का question क्या है? मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, प्लस जीएसटी, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, गवर्नमेंट, ग्लोबल, सोशियो. करेक्ट, एंड व्हाट आर द माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स? कॉमिक्स, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स एंड सब. एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. सो गाइज, मैं आपको आंसर बताता हूं, आप मुझे क्वेश्चन बताएं, सही है ना ये भी? लीस्ट रेजिस्टेंस प्रोसीड विथ, रेज योर हैंड्स, लीस्ट रेजिस्टेंस प्रोसीड विथ कॉशन एंड डायनामिक रिस्पॉन्स. लीस्ट रेजिस्टेंस प्रोसीड विथ कॉशन एंड डायनामिक रिस्पॉन्स. ओ माई गॉड, ठीक है. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ देशना, महक, ठीक है, हरनीशा. ओ, योर हैंड वॉज नॉट रेजिंग, उसको प्लास्टर लगाओ, यू नो, ठीक है. हरनीशा, निकिता एंड हर्ष, दीज आर द थ्री स्टूडेंट्स हु आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड. मानव बोल बेटा.
These are the strategic responses to the environment. The first one, ekdam relax. Least resistance. Very passive, not ambitious, simple goal maintaining units. Okay, contended by the signals of the environment and guided by the signals of environment. Relax, ekdam chill. Zyada activity nahi karte. Active wale kaun hai? Adopt as per the changing environment, monitor the changes, analyze and assess the impact. And aisa leader jo threat ko opportunity mein convert karte. ठीक है, डायनामिक रिस्पॉन्स चेंजिंग बिफोर द एनवायरमेंट चेंजेस. तो क्लास के पहले से पढ़ के आने वाले बच्चे, एम आई राइट? डायनामिक रिस्पॉन्स. ठीक है, ग्लोबल कंपनीज के अंदर दो टाइप की कंट्रीज होती है, कौन सी काफी लोग होस्ट कंपनी बोल रहे हैं, मैं भाई होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री. गाइस ये एग्जाम में गलती कैरी फॉरवर्ड होती है, और हमारा हम लोग पेपर देके बाहर आते, पेपर का जबरदस्त गया था, 80 मिलेंगे 80. लाइक आई गेव अ पेपर फॉर सीए फाइनल का पेपर था, मेरा फर्स्ट पेपर था अकाउंट्स, बहुत बुरा गया था, और जो सेकंड पेपर था एसएफएम स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा गया था मेरा पेपर. मैंने अपने दोस्त को बोला था 84 मिलेंगे, 84 कितने बोला था, 84 कितने मिले थे पता है? 48. सीधा 42, सीधा आधे. पेपर तो बहुत अच्छा गया था, फिर तुम्हारे हिसाब से भाई पगले, तेरे हिसाब से. ठीक है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में फिर सीधा 77 मार्क्स. फिर पढ़ाई करी, पढ़ाई करो पास होते, इतना मैं आपको बता सकता हूं. पूरी दुनिया कुछ भी कहे, तुमको पता था तुम पास होने वाले हो फाउंडेशन में, एम आई राइट? ठीक है, सो गाइस जाने दो, ये तो पर्सनल सवाल मत पूछो करो यार. प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, तुमने पढ़ाई और क्यों नहीं करी? ठीक है, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं करी? ये ऐसे सवाल कौन पूछता है यार? ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ये सब क्या है? पोर्टफोलियो. ठीक है, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, इज एन आंसर फॉर दिस. सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा एग्जाम्पल जापान वाला, जापान एक छोटे से आइलैंड में हम कितना बेच लेते, करेक्ट? सो ग्रोथ, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि बिजनेस मीट्स करना और अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना दूसरी कंट्री में वाज नॉट अ बिग डील. डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट एंड रिच, चीपर रॉ मटेरियल एंड कंपनीज ऑफन सेट अप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट. सो गाइस, चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपनीज ऑफन सेट अप ओवरसीज प्लांट, इसके लिए एग्जाम्पल दो. Hyundai इज एन एग्जाम्पल. दोनों पॉइंट्स के लिए Hyundai एग्जांपल है. डोमेस्टिक मार्केट्स नो लॉन्गर एडिक्वेट, जापान इज एन आंसर. ठीक है, और ग्रोथ तो सबको पता ही था. ये कौन सी कंपनीज है? WTO, IMF, सुपर नेशनल एंटरप्राइज. दीज आर सुपर नेशनल एंटरप्राइज. ओके, चलो ग्रेट, रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर. ठीक है, रेज योर हैंड्स. माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन अ कंपनी गो ग्लोबल? रेज योर हैंड्स. वेरी गुड मानव, यार पूरा पढ़ के आए ये लोग. सोनाक्षी, व्हाट्स द आंसर? ओए, हाउ कैन अ कंपनी गो ग्लोबल? सोनाक्षी, यही है? मुझे तो नहीं लग रहा. ये तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है ना, वो ट्रांसनेशनल वगैरह, वो नहीं है सोनाक्षी? वो ट्रांसनेशनल वाला जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन बताओ. ट्रांसनेशनल ग्लोबल, उसका क्वेश्चन बता. स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस ऑफ अ ग्लोबल कंपनी, मल्टी डोमेस्टिक, ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल. हाउ कैन अ कंपनी गो ग्लोबल? हल्दीराम, हा हा हा, सॉरी, एक्सपोर्ट्स. जॉइंट वेंचर के एग्जांपल दो. हीरो होंडा, महिंद्रा रेनो, मारुति सुजुकी. फ्रेंचाइजी कुछ भी हो सकता है सर. FDI, विल वॉलमार्ट, Amazon, दैट कैन बी. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. विच, ठीक है, विच काइंड ऑफ कंपनी डज नॉट हैव अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट? रूपल, रूपल इट इज ट्रांसनेशनल. इसका एग्जाम्पल दो रूपल. मेरा रिसर्च पूरा वेस्ट मत जाने दो यार, ऐसा मत करो, है ना? ट्रांसनेशनल. हाँ, मैं रूपल,
ठीक है, आलू, ठीक है, ये कितना बेहतरीन तुमको, तुम ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, इट्स नॉट इजी गाइस, और ओके इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, ओके। मैं कालू टिक्की लाई उन्होंने, ठीक है, इंडिया के हिसाब से बदले, सेंट्रलाइज होता तो नहीं बदलते वो लोग, करेक्ट। एंड देन मल्टीनेशनल के एग्जांपल, दे हैव अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम, इसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एंड आईबीएम। डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, रेज योर हैंड्स, ठीक है। हनीशा, एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू, ओके। I want to analyze competition. I wish to analyze competition. Give me a ready-made material. Come on, raise your hands. Give me a ready-made material. Very good, Vidhi. Very good, Aniket. Sayani, very disappointing. Mansi, very disappointing. Yashi, very disappointing. वेरी गुड मानव है, पूरा पढ़ के आया मानव आज, वेरी नाइस। विजय बोल, कौन सा पोस्चर है? पीटी की क्लास अटेंड करके आओ क्या? सो गाइस द आंसर इज माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल, वेरी गुड विजय। अपने गलती का, ठीक है, गलती का भुगतान करे। व्हाट आर द फाइव फोर्सेस विजय, मुझे बताइए। विजय बता बेटा, बता विजय, ठीक है। सेकंड इज थ्रेट फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट्स एंड थर्ड वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर एंड फोर्थ वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड लास्ट इज थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, करेक्ट। इसमें सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना किशन? सर ही इज नॉट वेल, ओके ही सेड यू टेक्स्ट, ओके। एग्जिस्टिंग कंपटीशन, देन थ्रेट्स फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट्स, threats from the substitutes, bargaining power of the buyer and bargaining power of the correct, ठीक है। difficult question है, पूछूं? Yes. अगर ये competitive pressure किसी भी factor का ज्यादा है, raise your hands, अगर इस इन सारे competitive factors का impact या pressure ज्यादा है तो नए businessman के लिए ये industry कैसी बन जाएगी? अगर किसी भी कंपेटिटिव प्रेशर का इंपैक्ट, किसी भी फोर्स का इंपैक्ट, प्रेशर ज्यादा है तो यह बिजनेस उस नए इन्वेस्टर के लिए, यह इंडस्ट्री उस नए इन्वेस्टर के लिए कैसा हो जाएगा? वेरी गुड विधि, वेरी गुड देशना, वेरी गुड अनिकेत राउत। इतना ही परसेंट रिजल्ट रहता फिर आप ये मत बोलना कि इतना कम रिजल्ट आया तो हम भी, समझ गए ना? देशना बोल, नो अनिकेत बोल, अनफेवरेबल, कैन आई गेट अ बेटर वर्ड? विधि, विधि, कैन आई गेट एब्सोल्युटली परफेक्ट वर्ड? मानसी, 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 द वर्ड इज, आई गेस मानसी हैज सेड दैट द वर्ड इज अनअट्रैक्टिव, द एंड, ठीक है। If the industry's profitability is low due to pressure, the industry will be unattractive for the new investors. याद रखना, ठीक है? कैसा है ना, हमें वो words देने पड़ेंगे जिन words की वो उम्मीद करते हैं। तुम अपने मन से लिखोगे अगर, समझ रहे हो ना? तो guys, okay, Porter's five forces model, who gave Porter's five forces model? माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर ने और भी कारनामे किए, माइकल पोर्टर ने जेनरिक स्ट्रेटजीज दिए, उसके लिए हमारे पास और भी चैप्टर्स है, नॉट टू वरी। बाय द वे, व्हाट आर द जेनरिक स्ट्रेटजीज दैट वी हैव स्टडीड, रेज योर हैंड्स, कौन सी जेनरिक स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी है, रेज योर हैंड्स, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड देशना, वेरी गुड हनीशा, हनीशा टेल मी, हाँ, ब्यूटिफुल, ठीक है। दिस वॉज नॉट द क्वेश्चन हनीशा, क्वेश्चन इज अभी आ रहा है क्वेश्चन, ये जेनरिक स्ट्रेटजीज दी किसने, रेज योर हैंड्स, ये जेनरिक स्ट्रेटजीज, रेज योर हैंड्स, सॉरी, हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, प्रोनंसिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, विलियम ग्लॉक एंड लॉरेंस जॉर्ज, ग्लॉक एंड जॉर्ज,
अनिशा आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू कि आपने पढ़ाई करी है, आपने जैसे ग्लोइक बोला ना उससे समझ में आता है कि तुमने सेल्फ स्टडी की है, वेरी नाइस। ओके सो गाइस, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, सॉरी लीक हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई बनता है, याद रखना बटरफ्लाई बनता है, ठीक है। तो गाइस मैं कह रहा हूं ग्रोथ नहीं हो रही है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, किस टाइप का ग्रोथ हो रहा है, किस टाइप का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, याद है क्या तुमने डायग्राम बनाया था ना, तुमने डायग्राम बनाया था ना, ठीक है। बट गाइस जिंदगी भर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, एक एक ग्रुप मुझे नहीं देना, एक एक ग्रुप से मैं एक एक सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा आखिर में। तो इट इज यू नो दिस इज नॉट वी लिव विद ग्रोथ। सेकेंड जॉनरिक स्ट्रेटजी इज एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन के अंदर हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन भी है, मर्जर्स भी है, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, टीसी को टेक ओवर कर लो या फिर जीरो से स्टार्ट करो, कर लो फिर। रिलायंस पॉलिमर, गो रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर, गोइंग फॉर रिलायंस सीमेंट, सॉरी सीमेंट, ये क्या है, रेज योर हैंड्स, सही डाइवर्सिफिकेशन है, किस किस्म का, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, स्नेहा, इट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, इट इज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन की क्या खास बात है वरद, वरद कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन की क्या खास बात है बेटा, दिव्या, महक, when the new product has little or no affinity with the present product line, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। okay, analysis में हमने पता किया था कि यार एक हाथ ये कंपनी जो लॉस में है उसको डिसकंटिन्यू करना शायद हमारे ज्यादा फेवर में काम कर जाए। एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चलेगा दैट समटाइम्स टेकिंग अ स्टेप बैक कैन हेल्प अस टू गो अहेड, सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट, ठीक है। रिट्रेंचमेंट के अंदर पूरा कंपनी बंद कर दो, बेच ही दो, वो कंपनी बंद कर दे। गाइस स्टेजेस है, स्टेजेस है, पहले एक्सपेंडिचर कम करो, फिर यू नो एडवर्टीजमेंट कम करो, फिर एक आधा ब्रांच ऑफिस कम करो, कुछ एम्प्लॉयज जो बहुत काम के नहीं उनको निकालो, ठीक है। एकदम से कंपनी बंद नहीं करना, स्टेजेस में होता है, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज को आपको फायर करना पड़ता है, ठीक है, ओके। एंड जेनरिक स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, कौन सा यूज किया इन्होंने, कॉम्बिनेशन, दे हैव यूज्ड कॉम्बिनेशन। सो गाइस हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, आई गेस इन अ मैटर ऑफ लेस देन 20 मिनट्स, ठीक है गाइस, सब कुछ याद आ रहा था। मेरा वादा है तुमसे, मेरा दावा है, तुमने अगर हर दिन 15-20 मिनट भी दिए होते ना, आज तुमको हर आंसर आ रहा होता। कितने रेज योर हैंड्स, कितने लोगों का हर आंसर आ रहा था आज, एवरी डैम आंसर, ठीक है। एंड गाइस इफ दीस कैन डू इट व्हाई नॉट यू, एंड गाइस इफ यू डू द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट्स, फॉर डिफरेंट रिजल्ट ऑफ कोर्स द एफर्ट शुड बी डिफरेंट। चलो सो गाइस वी आर डन विद द वेरी जीरोथ चैप्टर ऑफ अ करिकुलम, एंड दैट जीरोथ चैप्टर वॉज बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको काम में आने वाला है, इसलिए हमने इतनी मेहनत करके इसको पढ़ा है, ठीक है। Guys, moving ahead, next chapter, generic strategic alternate is given by William Glock and Lauren George. Kaunsi? Stability, expansion, retrenchment and combination. Ab, the next chapter is introduction of strategic management. Thoda sa difficult question hai, poochu kya? Yes, sir. Kaisi baat karo, poochu. Aap jab poochu ge, तभी तो मजा आएगी, एम आई राइट, ठीक है। आप क्योंकि आप जितना पूछते हो उतनी बेइज्जती होती है, जितनी बेइज्जती होती है उतनी मेमोरी शार्प होती है, बादाम से भी ज्यादा शार्प। रेज योर हैंड्स, हु इज द फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, रेज योर हैंड्स,
डोंट कॉपी, डोंट चीट. फादर ऑफ एसएम पवन गौकर. कम ऑन, वेरी गुड भरत, वेरी गुड यशी. भरत व्हाट्स द आंसर? सरनेम नहीं, सरनेम सरनेम क्या? अवधेश पांडे. अनिकेत व्हाट्स द आंसर? नो नो क्लू. ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट इज ऑल्सो गुड, वेरी नाइस. हमको तो नहीं आता. यशी, नो यश. सर आइगर एंसॉफ इज नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, एमसीक्यू गोल्ड. और अगर एसएम पढ़ लिया तुमने 50 मार्क के लिए 250 पेजेस, और उसके बाद तुमको ये नहीं पता है, और तुमने अगर ये एमसीक्यू गलत कर दिया, अगर ठीक है, एक मार्क नहीं दूंगा मैं तुमको, मैं एक भी मार्क नहीं दूंगा तुमको उस एसएम के पेपर में. एंड इट इज कंप्लीटली फेयर, एम आई राइट? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा इंस्टीट्यूट करता है, मैं ये कह रहा हूं ऐसा मैं करूंगा. ठीक है, सो गाइस आइगर एंसॉफ. ठीक है गाइस, काफी लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट अनफेयर मार्क्स देती है, कहते हैं, और हम भी मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ लोग तो पास होते हैं ना, और कुछ लोग हमारे क्लास में से सीए फाउंडेशन में फेल भी हुए होंगे और फिर उन्होंने वापसी करी होगी. अगर फेल होके तुम ही वो हो जो फेल हुए थे, तुम ही वो हो जो पास हुए थे, तो डिफरेंस एग्जामिनर में नहीं था, डिफरेंस तुम में डिफरेंस था. तुमने ज्यादा मेहनत जरूर की होगी तभी पास हुए होंगे, एम आई राइट? फ्लूक में कोई पास नहीं होता, याद रखना. चलो आइगर एंसॉफ का कोटेशन है, बाय सर्चिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज विच मैच इट्स स्ट्रेंथ द फर्म कैन ऑप्टिमाइज. ठीक है, बाय सर्चिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज विच मैच इट्स स्ट्रेंथ द फर्म कैन ऑप्टिमाइज द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स. एक मिनट, मुझे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज का मैच लाना है, तो इसके लिए मैं कौन सा एनालिसिस करूं? ऑप्टिमाइज द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. रेज योर हैंड, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. रेज योर हैंड्स, कम ऑन. वेरी गुड देशना, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड स्लोन. याद है क्या मैंने मैथ सिखाया था कल, मैथमेटिक्स? वेरी गुड महक, वेरी नाइस यार. दिव्या, कंबाइन करना, लेकिन उसके इफेक्ट क्या होते हैं? मधुरा पाटिल विधि. मिली भगत नहीं, द बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम कॉम्बिनेशन. मिली भगत इज अ नेगेटिव वर्ड. मिली भगत विल यू नो हेल्प यू टू डू फ्रॉड. ठीक है, कॉम्बिनेशन का एडवांस, करेक्ट, कॉम्बिनेशन से जो भी एडवांस होगा सिनर्जी बेनिफिट बोलेंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलेंगे. ठीक है गाइस, अभी तो सब लॉकडाउन वगैरह का इश्यू चल रहा होगा आपके साथ, लेकिन जो दोस्त के साथ पढ़ाई होती है, या तो दोस्त तुमको पढ़ाई में बहुत मदद करते हैं या तो डुबा देते हैं वो पूरा. ठीक है, ठीक है. नाउ चेजिंग दिस कॉम्बिनेशन इज व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, चेजिंग दिस कॉम्बिनेशन. ठीक है, चेजिंग दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब देखो ना, जैसे हमने हमको जैसे ही पता चलता है कि प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, एम आई राइट? जैसे हमको पता चलता है, एक अजीब सा विश्वास क्रिएट हो जाता है, एम आई राइट? यार ये तो इनका है, तो ये तो प्रोडक्ट तो कैसा होगा, अच्छा ही होगा. गाइस कॉम्बिनेशन बेनिफिट देखो ना आप, कितना अच्छा मिलता है. ठीक है, यानी खुद के अंदर ही, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये सारे प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाए, दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर करके इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया. समझ रहे हो क्या? पेप्सोडेंट इज नॉट ओरिजिनली ओन्ड, पेप्सोडेंट वाज नॉट ओरिजिनली ओन्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर. लाइक कोलगेट, सुना है कोलगेट? कोलगेट इज नॉट ओरिजिनली ओन्ड बाय कोलगेट पाल्मोलिव. कोलगेट पाल्मोलिव इज अ डिफरेंट कंपनी ऑल टुगेदर. ओके, नेवरदलेस ये नहीं बताना है मुझे आपको, ये बताना है कि काफी बार जब सनसिल्क और डव के पाउच पुराने हो जाते हैं तो पेप्सोडेंट के साथ फ्री मिलते हैं. ये पता है आपको, इसका प्राइस 45 रुपीज था, डव का 5 रुपए का पैकेट फ्री मिलता है,
और इसका प्राइस 45 से 48 कर देते हैं। हमको शॉपकीपर समझाता है कि 5 रुपए का प्रोडक्ट 3 रुपए में मिल रहा है तो हम महंगा वाला खरीद लेते हैं, जबकि सनसिल्क या डव हमारा फेवरेट शैंपू था नहीं। हम कौन सा शैंपू लगाते हैं? लॉरियल। वॉइस को तो बोलना भी नहीं आता, लॉरियल। ठीक है, ठीक है, वट एवर। सो गाइस, गाइस वैसे भी वो खराब ही होने वाला था, पेप्सोडेंट से 3 रुपए भी कमा लिए हमने एक्स्ट्रा, और ये खराब होने से भी बच गया, समझ रहे हो। और जब किसी मेडिकल की शॉप में या फिर किराना शॉप में पेप्सोडेंट का या वैसलीन का या सर्फ एक्सेल का, ठीक है, फिनिश गुड जाएगा, तुमको क्या लगता है दूसरी गाड़ी में जाएगा लैक्मे और हमाम के प्रोडक्ट्स? उसी कार्गो में आएंगे वो। मिल गया सिनर्जी बेनिफिट। एक ही प्रोडक्ट रहता तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट कॉम्बिनेशन, एम आई राइट? इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। तुम लोगों को भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि याद रखना 8 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन लगेगा, याद रखना। अब वो तुमको ढूंढना है कि 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे, होपफुली। अब हमारा ये चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एसएम इज अबाउट बिजनेस पॉलिसी। पॉलिसी दिस वर्ड, हाँ पॉलिसी। अच्छा मैं क्या कहता हूं, माचिस है क्या? माचिस क्या कर रहा हूं मैं? स्मोकिंग, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, देखो गाइज, हमारी क्लास स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बिल्कुल एडवोकेट नहीं करती, बस ये हम लोग थोड़ा गिर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही गिर रहे हैं, क्योंकि हमको समझना है कंसेप्ट, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, और क्लास डू नॉट एडवोकेट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो गाइज मुझे बताओ, कितने लोगों ने ये प्रण लिया है कि सर मैं कभी लाइफ में स्मोक और ड्रिंक नहीं करने वाला, सर कभी नहीं करूंगा मैं, ऐसे कितने लोग हैं? कितने लोगों ने वादा किया खुद को? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। मैं मत बोलो, रेज योर हैंड्स, मैं। ठीक है, मधुरा, स्लोन, वरत, सैनी, हर्ष, अनिक, ठीक है, बाकी सब। सर जिन्होंने पी लिया है पहले, हम क्या करें सर? हम अब से नहीं करने वाले सर, आपने बोला ना अब से नहीं करने वाले, उसका कैसे? तुम भी उठा लो बेटा, ठीक है। तो गाइस कभी नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं करूंगा, ये क्या है तुम्हारी पॉलिसी है? इंडिविजुअल की पॉलिसी नहीं होती, इंडिविजुअल की सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स इज द वर्ड। हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सॉरी। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है? सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। ऐसे ही बिजनेस की क्या होती है? इंडिविजुअल्स की प्रिंसिपल्स होती है, बिजनेस की होती है पॉलिसीज, ठीक है। हनीशा, हनीशा, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ, व्हाट इज द वर्ड, सॉरी, करेक्ट। सो गाइस एक बार मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक समझने के बाद फिर वो मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। जनरली हम सारी मिस्टेक्स एग्जाम के वक्त हमें पता चलती, अच्छा ऐसा था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारे साथ एग्जाम में टेस्ट सीरीज हो जाता है। हमने ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लॉक, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी अरोज फ्रॉम द डेवलपमेंट्स इन द यूज ऑफ प्लानिंग टेक्निक्स बाय मैनेजर्स। प्लानिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, अपने आप थोड़ी ना होता है ये सब, ठीक है। तुमको क्या लगता है ये टेक ओवर प्लान नहीं किया होगा क्या इन्होंने, जो मैंने आपको हिंदुस्तान का एग्जाम, दिस टेक ओवर वाज प्लान्ड, कुछ टेक ओवर महंगे भी किए होंगे उन्होंने जरूरत से, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स टू हैव अ प्लान। मैं तुमको हमेशा कहता हूं, तुम टाइम पास भी करो, बट उसको आप टाइम टेबल में डालो, एम आई राइट? टाइम टेबल में डालो, और फिर नो, ठीक है, टाइम टेबल में आ नहीं पाता लेकिन टाइम पास। स्टार्टिंग फ्रॉम डे टू डे प्लानिंग इन अर्लियर टाइम्स, मैनेजर ट्राई टू एंटिसिपेट द फ्यूचर थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड यूजिंग कंट्रोल सिस्टम्स लाइक कैपिटल बजटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो गाइस यू हैव टू एंटिसिपेट द फ्यूचर, लाइक इफ यू रिमेंबर सीए फाउंडेशन में द फर्स्ट टीचर टू प्रोवाइड यू वीडियो क्लास वॉज मी, एम आई राइट? I anticipated the future then. मुझे पता था, I was following this COVID from December 2019. I knew it that physical class has no future. I knew it. क्योंकि मेरी April 2020 में, ठीक है, UK की ट्रिप थी, मेरे पासपोर्ट, मेरे वीजा सब बने हुए थे, एंड द ट्रिप went futile. Forget that trip, important ये नहीं है. But I have my, मेरा पूरे घर का पूरा थर्ड फ्लोर डेडिकेटेड है एम्प्लॉयज के लिए, स्टूडियो के लिए, स्टडी के लिए, पूरा थर्ड फ्लोर इज
ऑक्यूपाइड बाय ऑल दिस वर्क, आई एंटिसिपेटेड द फ्यूचर. ठीक है, आपको सोचना पड़ता है. आप ऐसे स्ट्रैटेजी, अगर जैसे ही आप वर्ड आ जाते हो स्ट्रैटेजी, यू हैव टू एंटिसिपेट द फ्यूचर, आगे क्या आने वाला है. यस, एंटिसिपेट द फ्यूचर थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड यूजिंग कंट्रोल सिस्टम्स लाइक कैपिटल बजटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. कैपिटल बजटिंग सुना ये वर्ड? ठीक है, यानी जब आपको कैपिटल गुड्स खरीदने होते हैं, जब आपको कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल दो, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल. तो इसको इसको आपको प्लान करना पड़ता है, ये यूं ही नहीं मिलता है. कैपिटल बजटिंग एफएम में स्टार्ट हो गया आपका? नो. तो आप जब कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा, पता चलेगा कि किसी भी एसेट को खरीदना है या नहीं खरीदना है, या इस प्रोजेक्ट में पैसे डालने या नहीं डालने हैं, उसके लिए पूरा वर्किंग करना पड़ता है. इट इज नॉट हाँ खरीद लो अच्छा लग रहा है ये. ऐसा नहीं करते. ठीक है, कैपिटल बजटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिविटी सर्व होनी चाहिए. ठीक है, विद द इनएबिलिटी ऑफ दीज टेक्निक्स टू एडिक्वेटली एम्फसाइज द रोल ऑफ फ्यूचर, लॉन्ग रेंज प्लानिंग केम इनटू यू गेम टू बी यूज्ड सून. लॉन्ग रेंज प्लानिंग वाज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड लेटर बाय स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. तो पहले लॉन्ग रेंज प्लानिंग वर्ड यूज हुआ, फिर ठीक है, फिर स्ट्रेटजिक प्लानिंग, और फिर द वर्ड इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, अ टर्म that is currently used to describe the process of strategic formulation, implementation and control. Formulation, implementation and the third one is control. Formulation, implementation and control. Okay. Business policy as defined by Christensen and others is the study of functions and responsibilities of senior management, the crucial problem that affect the success in total enterprise, the decision that determine the direction of the organization and shape its future. एक मिनट, बिजनेस पॉलिसी क्या है? द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. रेज योर हैंड, सीनियर मैनेजमेंट, गिव मी अ बेटर वर्ड. रेज योर हैंड्स, कम ऑन, सीनियर मैनेजमेंट, गिव मी अ बेटर वर्ड. वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड विधि, वेरी गुड वरद. साइनी बोल. विधि. Of course, corporate level, the strategic level. ठीक है, so guys, senior यानी strategic. Guys, policy वहीं से बनेगी, am I right? Business policies वहीं से बनेगी. So guys, कोई बात नहीं, answer गलत हुआ चलता है, but you make sure that you keep on working for that. Okay? सारी गलतियां लिख के रखो, सारी गलतियों को ध्यान में रखो, और फिर exam के वक्त क्या लो? बदला लो. हर एक गलती का हिसाब होगा फैजल. Then the problems of policy in business is like policy in public affairs have to do with the choice of purpose. आप करना क्या चाहते हो? ठीक है, just a moment, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और analyze करना चाहिए. The study and function and responsibility of senior management, the crucial problem that affect the success of total enterprise. क्या ऐसी problem आ सकती है जो हमारे business को unsuccessful बना दे? And decisions that determine the directions of the organization and shape its future. ठीक है, for example, shape its future, कुछ decisions लेने हैं. कौन सी कंपनी क्या बनाती थी? वनस्पति घी. ठीक है, और बेबी ऑयल वगैरह. विप्रो का फुल फॉर्म बताओ? वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनिंग ऑयल लिमिटेड. ठीक है, अरे बाप रे, नहीं पढ़ते लोग. द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 29 December 1945 इन अमलनीर, अ स्मॉल टाउन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट, बाय मोहम्मद प्रेमजी, अ वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, लेटर एब्रिवेटेड एज विप्रो. बट गाइस, एक मिनट, आज भी ये लोग पाम ऑयल बनाते हैं, वो बिजनेस बन नहीं किया उन्होंने. बट गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ऑयल में फ्यूचर है. डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर. गाइज, विप्रो ने ठीक है अपने इस बिजनेस को तो कंटिन्यू किया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया. ठीक है, और फिर मोहम्मद प्रेम जी ने मोहम्मद प्रेम जी ने तो पाम ऑयल को कंटिन्यू किया, लेकिन अजीम प्रेम जी जो यूएस जाके पढ़ के आए थे,
ठीक है, उन्होंने अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई किया आईटी में, ठीक है या। सो गाइस सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, विप्रो आईटी लिमिटेड, विप्रो इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड, विप्रो लाइटिंग, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम्स, ठीक है। सो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है, आपको यू हैव टू डू समथिंग, अब पॉलिसी ऐसी बनानी है जो आपके बिजनेस का फ्यूचर शेप कर सके। अजीम प्रेम जी, गाइस मेक अ वाइल्ड गेस, अजीम प्रेम जी ने 2020 में कितना पैसा डोनेट किया होगा फिलंथ्रोफी में? When I ask you percentage, you tell me the amount. When I ask you amount, you tell me the percentage. ठीक है, the answer is wrong. It is 7,000 crores. 7,000 crores. That is the level of charity donation Azim Premji has done. Think about his net worth. Mukesh Ambani has donated 200 crores. Who is richer? ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं 200 करोड़ भी कम नहीं होते, बट कैस अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड द पॉलिसी, अंडरस्टैंड द पर्पस, ठीक है, द पर्पस, यानी हम तो अच्छा करेंगे, ठीक है, बट पर्पस क्या है, विच इज अ बिगर पर्पस, चलो देखते हैं। बिजनेस पॉलिसी एज डिफाइंड बाय क्रिस्टेंसन, ये हो गया। द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिसी इन बिजनेस लाइक दोज ऑफ पॉलिसी इन पब्लिक अफेयर्स हैव टू डू विद द चॉइस ऑफ पर्पस, मोल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर। गाइस क्या थोड़ा सा विप्रो और अजीम प्रेम जी के बारे में जब आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अब पता चली है, क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? महसूस हुआ होगा तुमको कि नहीं यार, मुकेश अंबानी इज नॉट टू बी फॉलोड, यानी ठीक है, ही इज अ ज्वेल, हम ये नहीं कह रहे कि वो बर्बाद है, नहीं, ही इज वेरी गुड, ही इज डन वेरी गुड फॉर इंडिया, बट गाइस वी डू नॉट फॉलो पीपल लाइक मुकेश अंबानी, वी फॉलो पीपल लाइक टाटास, ठीक है, वी फॉलो पीपल लाइक अजीम प्रेम जी, ठीक है। सो गाइस थोड़ा इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है, कि आपको पर्पस ढूंढना है, मोल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर। तो गाइस टाटास, ओके, एक बार रतन टाटा को पूछा गया था कि व्हाई व्हेन टाटास आर मोर देन, यू नो, मोर देन 150 इयर्स ओल्ड कंपनी, व्हाई यू आर नॉट रिचर देन मुकेश अंबानी, तो ठीक है, व्हाई वी आर नॉट बिगर देन, व्हाई वी आर नॉट बिगर देन, ठीक है, रिलायंस। तो गाइस अंबानीज आर बिजनेसमैन, टाटाज आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट्स द, दैट वाज द आंसर। तो गाइस ये क्या था, दिस वाज मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट थिंक अबाउट कंट्री एज वेल, नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट, नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। सो गाइस the continuous definition of what needs to be done, the mobilization of resources for the attainment of goals in the face of competition or adverse circumstances, what is to be done, jab competition aata hai ya fir adverse situation aati hai, how do you react to it is what matters, that's your business policy. Like jo bhi tata ka jo bhi employee hai, covid se agar death hui hai to 60 saal ki umar tak unko puri salary milegi jo unki milti thi. It is molding of identity of the corporate and tends to the character of the company, that's the business policy. Business policy tends to emphasize on the rational analytical aspect. Rational analytical aspect of strategic management. What do you mean by rational? Rational means prudent. Rational means prudent. ठीक है, and analytical? After doing all the calculations, chartered accountant, तुम chartered accountant बनोगे ना? Yes, sir. Chartered accountant नहीं बनना है हमको, हमको analyst बनना है. CA में जो आपका A है ना, वो accountant का नहीं है, वो analyst का है. We have to have this. Business policy tends to emphasize on the rational prudency concept or analysis. हर चीज on paper होना चाहिए, हर चीज calculation में होना चाहिए. और एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. सो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए बिजनेस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है. अटेंशन फॉर द रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एसएम, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सच अ फ्रेमवर्क एनेबल्स अ मैनेजर टू प्रिपेयर टू मेक प्रिपरेशन फॉर हैंडलिंग जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली. ठीक है, सच
Framework enables manager to make preparation for handling general management responsibilities effectively. So guys, that's that. Rational analytical raho, to aapko thoda sa ek direction mil jayega. Okay? Chalo, ek sawal hai mere paas. Raise your hands. If you have an answer, raise your hand. What is the most important resource for you as a student to qualify CA Inter? Raise your hands. टीचर्स वगैरह मत बोलना, बुक्स वगैरह मत बोलना. वेरी गुड, सम पीपल आर वेरी कंसिस्टेंट. जिनके भी घर पे टीवी चल रहा है बैकग्राउंड में, कृपया म्यूट करें. उनको बोलो मैं पढ़ रही हूं, टीवी बंद करें. रसिका, व्हाट इज द आंसर बेटा? सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क. ये रिसोर्स नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है. ये रिसोर्स नहीं हुए, हमें रिसोर्स चाहिए. कोई बात नहीं, वे नाइस आंसर, वे क्यूट आंसर. मानसी, आईसीआई स्टडी मटेरियल तो खोला भी नहीं है तुमने अब तक. एम आई राइट बॉयज? ठीक है, कोई बात नहीं. नाइस नाइस ट्राई मानसी. स्लोन, विजय, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं आंसर, मैं बताना चाहूंगा तुमको. तो कहां थे तुम बहन? यशी बोलो, यशी बोलो. टाइम, वेरी नाइस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम. यही तो वेस्ट करते हैं हम लोग, यही तो पास करते हैं हम लोग. एम आई राइट? और फिर गिल्टी भी फील हो जाता है. एम आई राइट? बहुत टाइम पास, बहुत टाइम पास कर लिया आज यार. इतना पढ़ लेता वो चैप्टर ही 16 पेज का, ये कंप्लीट हो जाता हो. और फिर ऐसा सोचने के बाद फिर से टाइम पास करते 2 घंटा. अब हो तो गया ना, कुछ नहीं होता. अब गाइस, जैसे टाइम इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट्स को सक्सीड करने के लिए कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है? रेज योर हैंड्स. मैनेजमेंट इज अ रॉन्ग आंसर बाय द वे. यानी लॉ का कंप्लायंस भी मत करो और गलत भी आंसर दो, अलग ही डेडली कॉम्बिनेशन ही है. स्ट्रैटेजी? नो. इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, ठीक है. अनिकेत, व्हाट इज द आंसर बेटा? अरे बोलते वक्त लग रहा था ना अनिकेत की फेंक रहा हूं. महक, मनी, ये भी ना बात, ये सही है. ठीक है, अब क्लिक होने लगेगा तुमको. रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. लिखा है विजय वहां पे, लिखा है. वेरी नाइस. रूपल बोल. यू रेज योर हैंड डूड. देशना, देशना, फाइनली अब देशना पे आ जाते हैं. करेक्ट. मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट एंड मनी, दीज आर द रिसोर्सेज. और ये अब मेथड, अब तुम बड़े हो गए बेटा, मेथड नहीं रहा. ठीक है गाइस, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना तुम लोगों का, मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ा एज ए स्टूडेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का है टाइम मैनेजमेंट. टाइमिंग है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तुम टाइम मैनेज अच्छे से कर लो तो टाइम पास कम कर दो तो तुम्हारा सब आधी प्रॉब्लम तो ऐसी सॉल्व हो जाती है. एम आई राइट? टाइम इज मनी इज ऑलवेज देयर. बट गाइस, किसी भी कंपनी को टाइम मैनेजमेंट, वैसे किसी भी कंपनी को ये 5M को क्या करना है? मैनेज करना है. कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट. द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस. पहला, इट इज यूज्ड विद अ रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. मैनेजमेंट में हर कोई रहेगा. ट्रू ऑर फॉल्स? मैनेजमेंट के लोग कम है यार. की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. अब मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है? द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस, ठीक है. पहला तो हमने देख लिया की ग्रुप,
And in relation to the organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it purposeful, productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources. Kaun se? Five M's. Man, machine, material, market and money into a functioning whole. An organization becomes unified system when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently and effectively. Aap ye 5 M's use kar lo, these 5 M's, you used it efficiently and effectively, of course you will succeed. Tum as a student, tum time dhang se use kar lo, of course you will succeed. And the survival and success of organization depends large extent on the competence and character of its management. Management has to also facilitate organizational change and adapt for effective interaction with the environment. Ek minute. Aapko, aapke organization ko change hona padta hai? Yes. Dekho, ye dekh lo apne aankhon se. Yes. Theek hai? Ye dekh lo apne aankhon se. Dekh hi rahe hai. सहा नहीं जा रहा. पहले सोचे थे देख लेंगे, लेकिन जब जब देखने की बारी आई तो देखा नहीं जा रहा. ठीक है, कोविड के अंदर सब लोग पलटी खा लिए. सब लोग पहले एशियन पेंट्स क्या बनाने लग गया, तो एशियन पेंट्स ने क्या किया, अपने आप को चेंज किया. ठीक है, और नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है चेंज के बाद, देखो. Adoption. Environment को समझना है और environment के हिसाब से adapt करना है, change करना है. ठीक है, so guys you have to take care of these things. Okay, और management का यही काम है कि आपको facilitate change and adoption for effective interaction with the environment. सिर्फ interaction से काम नहीं चलेगा, आपको adapt भी करना पड़ेगा. ठीक है, चलो और पढ़ते हैं management के बारे में. The term management is also used with reference to a set of interrelated function processes carried out by the management of the organization to attain its objectives. These functions include, management ke aur bhi functions hai major. Resources ko to organize karna hi hai, but iske alawa, the functions of management, what are those? Planning, organizing, directing, staffing and controlling. Correct, so that's the point second. They range all the way from determination of goals, design of organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of tasks and resources among the personnel and activity units, and installation of control system to ensure what is planned is achieved. आपके जो भी organizational resources हैं, उनको ऐसे manage करना है, ऐसे plan करना है, ऐसे organize करना है, ऐसे draft direct करना है, ऐसे लोगों को staff करना है, control करना है. Which will make sure that what is planned is achieved. Management, bottom line, I'll tell you the bottom line. Management is nothing else but making it happen. Management is an influence process to make things happen. CA inter, hum to pass ho jayenge. Attitude number one. Attitude number two, CA inter, main पास करके दिखाऊंगा. आप समझ रहे हो, हमारे दिमाग में हमारे जो दिमाग में होता है, नहीं मैं फाउंडेशन पास हुआ था ना, तो मैं इंटर भी पास हो ही जाऊंगा मैं. आप किसी को करने दे रहे हो पास. ठीक है, मैनेजमेंट का काम ऐसा, किसी के ऊपर भरोसे पे नहीं रहेंगे हम लोग. किसी पे भरोसे पे रहेंगे तो कौन सा अप्रोच बन जाएगा, ये लीस्ट रेजिस्टेंस. हमें करना है प्रोसीड विथ कॉशन एंड इफ पॉसिबल डायनामिक रिस्पॉन्स. कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर द फिनोमेना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन द पर्टिकुलर मैनर. इन्फ्लुएंस इज बैक बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस. इन्फ्लुएंस इज बैक बाय पावर, competence, knowledge and resources. So guys, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, management की, तो management में जो लोग रहे वो बेवकूफ रहेंगे तो सुनेंगे क्या बात? No, sir, कोई नहीं सुनेगा. उनको knowledge नहीं रहा तो बोले अबे उसको क्या आता, पगले को, उसको तो मैं बताऊंगा.
ठीक है. सो गाइस दिस इज दैट यू नो मैनेजमेंट, यू नो आपको कंपीटेंट लोग चाहिए, पावरफुल लोग चाहिए, तभी वो किसी पे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. ठीक है, काफी बार होता है ना, ठीक है, वो हमारी वो पेन ड्राइव चलते रहती है और हम मोबाइल देखते रहते हैं. एम आई राइट? दैट क्लास लैक्स नॉलेज, दैट क्लास लैक्स कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंट ही नहीं है तुम्हारा टीचर, वो टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है, उसका लेक्चर कॉम्पिटेंट नहीं है, उसका लेक्चर नॉलेजेबल नहीं है. अगर नॉलेजेबल होता और तुमको महसूस होता तो यू वुड हैव बीन देयर. ठीक है, वो इन्फ्लुएंस तभी करेगा. जो जो वर्ड्स है वो कौन सा है? पावर, कॉम्पिटेंट, नॉलेज एंड रिसोर्सेस. ठीक है, कोई सवाल पूछ रहा था कल, इतना तैयार होके क्यों आते हो? तैयारी में हर चीज आती है, बिकॉज क्लोथ्स इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ऐसे ही चले जाओगे कि देशना आपको, आपका एचआर के पास आप पहुंचोगे भी नहीं, आप बाहर से निकल जाओगे. ठीक है, और ये सारी चीजें, ये सारा नेक्स्ट लेवल का एटीट्यूड तुम में आना चाहिए और वो हमारी जिम्मेदारी है. समझ रहे हो क्या आप? ये सारी हमारे जिम्मेदार, हमने अपने रोल मॉडल को ही झल्ले जैसा देखा है तो उससे इन्फ्लुएंस कैसे होंगे? आई होप यू आर गेटिंग मी. ठीक है, तो इफ आई कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर, हाउ कैन आई बी अ गुड टीचर? नेवरदलेस मूविंग अबाउट मैनेजमेंट हमने सीख लिया, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट हमने सीख लिया, स्ट्रैटेजी समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. अ टिपिकल डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड स्ट्रैटेजी एज समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर. इफ यू रिमेंबर बीसीके का लेक्चर, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी? मिलिट्री. इफ यू रिमेंबर, मैंने तुमको उस वक्त बताया था कि मैं ये सारी चीजों में तुमको बता रहा हूं, ये सारी इंटर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं. देयर यू आर, इफ यू रिमेंबर माय वर्ड्स, मैं आपको इंटर के लिए रेडी कर रहा था, एंड दैट्स द प्रूफ, लिविंग प्रूफ. द टिपिकल वर्ड डिफाइन्स द वर्ड स्ट्रैटेजी समथिंग डू विथ वॉर एंड द वेज टू विन ओवर द एनिमी. वॉर में क्या, हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं ना, वॉर में जीतने के लिए लड़ते हैं. ठीक है, सो गाइस स्ट्रैटेजी भी, हमको किसी कंट्री से लड़ना नहीं है लेकिन किसी कंपनी से जीतना जरूर है. क्या? यस. ठीक है, यस. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ दिस टर्म इज नॉट वेरी मच डिफरेंट. बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू द डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परसुइंग दिस मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. गाइस द आउटसाइड वर्ल्ड इज हॉस्टाइल. क्या कहते हो? यस सर. वेरी डेंजरस. वो आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस. आप अगर हॉस्टल में रहोगे कभी, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल से बेटर वर्ड है डेंजरस. द आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस. आप कभी हॉस्टल में रहोगे तो तुमको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिफरेंट चैलेंजेस आती है. घर पे वो चैलेंजेस नहीं आती, नहीं है, पता ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है. एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज ऑलवेज हॉस्टाइल और इंटरनल एनवायरमेंट इज ऑलवेज पैम्परिंग. सिर्फ वो पंखा बंद कर देते सुबह, बेरिंग दैट. तो स्ट्रैटेजी के अंदर यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द डायनामिज्म एंड ऑफन द एक्सटर्नल हॉस्टाइल फोर्सेस. ओके, और द वेरी इंजेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजी इनटू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंडेड टू अनरेवल द कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी. एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, ट्रू ऑर फॉल्स? एनवायरमेंट इज डायनेमिक, एनवायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड, इट इज अ फार रीचिंग इंपैक्ट. You never know. Uncertainty. किसी ने सोचा होगा नोकिया के साथ ऐसा होगा? किसी ने सोचा होगा कि लॉकडाउन होगा? कॉम्प्लेक्सिटी, हमको ये सब चीजें फोर्सी करना पड़ता है. ठीक है, एंड दैट इज वॉट स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू इन. आपको कॉम्प्लेक्सिटी को अनरैवल करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को अनरैवल यानी ओपन, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है. कैसे करोगे? जब आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होगी, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती है. क्यों? हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, फाइनेंस का नॉलेज, कॉस्टिंग का नॉलेज, मैनेजमेंट का नॉलेज, आईटी का नॉलेज, लीगल नॉलेज. गाइस ये सारी चीजें हमें एक साथ आती है, एंड दैट मेक्स अस प्रेशियस. And that gives us the VIP pass to enter into the market with good salary. बाकी के लोग ये जॉब करते करते सीखते हैं, हम लोग हम ऑलरेडी, that makes us precious. Okay?
प्रोवाइडेड यू लर्न इट प्रॉपरली. या वैसे इंस्टीट्यूट सिखाई देता है वैसे. स्ट्रैटेजी सीक टू रिलेट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स टू अचीविंग दैम. स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस यूज टू टेक मार्केट पोजिशन, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड सैटिस्फाई द कस्टमर, कंपीट सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो गाइस, स्ट्रैटेजी अट्रैक्ट एंड सैटिस्फाई द कस्टमर. डू यू रिमेंबर ली आइकोका? सुना है क्या ली आइकोका? There's only one rule in the business. If you want to be successful, there's only one rule in the business. Satisfy the customer. Satisfy the customer and satisfy the customer. To and achieve organizational objectives. Now, we may define the term strategy as a long-range blueprint of an organization's desired image, direction and destination. We may define the term strategy as a long-range blueprint of organization's desired image, direction and destination. Where you want, okay? Now, destination, that is what it is, what it wants to be and what it wants to do and where it wants to go. Okay? In cheezon ke answers aapko dene mein madad karta hai strategy. Okay? Jaise tum, where do you want to be? Tell me, where do you want to be? हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. देखो सबके पास आंसर ही नहीं है. इसका मतलब यू आर लैकिंग अ डायरेक्शन. यू डू नॉट नो द डेस्टिनेशन. ठीक है. व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट इट वांट्स टू डू, टू वर्क हार्ड. एंड वेयर इट वांट्स टू गो, वी वांट टू गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू हेल्प देम. अगर तुम ये सोचते हो कि हम लोग सीए बन के गरीबों की हेल्प करोगे तो फिर गलत फील्ड में आए हो तुम, क्योंकि गरीबों का अपने कुछ काम ही नहीं है बॉस. वी आर सो सॉरी, हम अपनी सर्विसेज उनको दे ही नहीं सकते. एम आई राइट? तो अगर आपको बहुत गरीबों की मदद करना है तो तुम सिर्फ बहुत ज्यादा पैसे कमा के चैरिटी करके दे सकते हो. अदरवाइज आई एम सो सॉरी, डॉक्टर लोग कर सकते हैं. क्यों? गरीबों का मुफ्त में इलाज करके. ठीक है, वो कर सकते हैं बेचारे, लेकिन उनको भी लोग मार देते आजकल. वेरी स्टूपिड ऑफ द पीपल, नेवरदलेस. ठीक है, चलो. अब अगर हम लोग देखें दो फॉलोइंग अदर इंपॉर्टेंट अदर डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड द टर्म. ठीक है, किसने किसने दिए स्ट्रैटेजी को समझने के लिए? कौन है ये? सर आइगर एंसॉफ. और दूसरा नाम क्या है? विलियम ग्लॉक. ये कहां पढ़ा हमने इसके पहले? बिजनेस पॉलिसीज में भी पढ़ा हमने. और जेनरिक स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स गिवन बाय ग्लॉक एंड जॉर्ज आइगर एंसॉफ. The common thread among the organization's activities and product markets that define the essential nature of business that organization has or plan to be in future. The common thread among the organization's activities, हमारी जो activities है organization की और हमारा जो product और market है वो बताता है कि हमारे products किस product किस market में जाते हैं, हम कौन सी activity करते हैं और हमने future के लिए क्या plan करके रखा है. That will also be called as a strategy. Then William Glock ने क्या बोला है? यूनिफाइड. यूनिफाइड यानी क्या? यूनिक. यूनिक कॉम्प्रेहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान. कॉम्प्रेहेंसिव यानी विच कवर्स एवरीथिंग. इंटीग्रेटेड यानी एक दूसरे से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ. डिजाइन टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस आर अचीव्ड. और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस का तो आंसर ही नहीं पता हमें. गाइस, अब तक ये राइटिंग में आया नहीं है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बट आई हैव मेड यू रेडी फॉर दिस. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो गाइज, इसलिए चैप्टर नंबर जीरो इंट्रोड्यूस किया है ताकि जब ये पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग के सामने वीडियो आ जाए. कौन सा? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एब्सोल्यूटली करेक्ट. उनको बोलो फेल करके दिखाओ. उनको बोलो ऐसी पढ़ाई करो और फिर उनको बोलो फेल करके दिखाओ. सही है ना? क्या कहते हो? ऐसी पढ़ाई करो और उनको बोलो फेल करके दिखाओ, मान जाएंगे तुमको. फालतू बोलो मत कुछ, बोलो मत कुछ. ठीक है. स्ट्रैटेजी इज मेंट टू फिल इन द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेंस ऑफ डायनेमिक डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस. सो गाइस, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसा ना, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे तुम लोग भी जैसे जैसे बड़े हुए पेरेंट्स के कंट्रोल से हल्का हल्का छूटते गए. देखा कि आपने?
बचपन में हम बोलते थे खेलने जाऊं क्या, बाहर जाऊं क्या, पूरा कपड़े पहन के पूरा रेडी होते थे और फिर खेलने जाऊं क्या, 4:30 बज गए, धूप कम हो गई। अब क्या बोलते हैं, मैं जा रहा हूं। इज अ डिफरेंस, तुम क्या रोक लोगे बे, है ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो उसकी डायरेक्शन बदलने लगती है। जैसे जैसे हम ग्रो हैं, हमारी भी डायरेक्शन, ठीक है, बोलते हैं ना वो गलत लाइन में चला गया तुम्हारा लड़का, ये किस फील्ड में आ गया आप, ऐसा होता है काफी बार। डायनामिक डायरेक्शन बिजनेस बदलता है तो आपको ये स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू हैव अ फोकस। सुनो ना, बड़े हर कोई होते हैं लेकिन हर कोई बिगड़ता है क्या? आपको फोकस रखना पड़ता है हमेशा। हर 15 दिन में पेरेंट्स एक बार बत्ती दे देते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहिए, तुम्हारा ही फ्यूचर बनेगा, हम तो अपना पारी खेल चुके हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, फालतू दिमाग खराब करते। फोकस, ये चीजें हमको फोकस रखता है, ठीक है। और आपके मे भी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ लेकिन सबको कोहेसिवनेस में रखता है। काफी बार हमारे दोस्त को भी आके झाप देते हैं, आजा बेटा तू भी आजा, इसका दोस्त है ना तू, तुम दोनों साथ में मरोगे, आ जाओ, ठीक है। कोहेसिवनेस, दोस्त भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। So bring, get everything together and get your acts together to get into the right direction and achieve success. Objectives and goals alone do not fill in the need. Strategy provides an integrated framework for the top management to search for and evaluate and exploit beneficial opportunity and to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources and strength and to offset corporate weakness. हमारे घर वालों की लैंग्वेज है पूरी। घर वाले कहते हैं तू अगर होशियार नहीं होता ना, तू अगर पढ़ने में अच्छा नहीं होता ना, तो देखो बोलते ही नहीं हम लोग ये सब, am I right? तू अगर बुद्धू होता तो तेरे से उम्मीद करते क्या बेटा, तू तुला समझत का नहीं रे। जो ऐसा बोलते ना वो क्या करना चाहते हैं कि भाई आप अपने रिसोर्सेस का, स्ट्रेंथ का यूज करो, लेकिन हम लोगों की वीकनेस, जैसे बॉयज लैक ऑफ फोकस, क्यों बॉयज, हमें बॉयज का मुझे पता है उस एज में क्या होता है, इसलिए मैं बॉयज का एग्जांपल दे सकता हूं। ऑफसेट द, यू नो, हमारी वीकनेस काफी बार हम पे हैवी हो जाती है, ठीक है, और फिर गड़बड़ हो जाती है। रॉन्ग थिंग्स एट द राइट, नो रॉन्ग थिंग्स एट द राइट टाइम टू स्टडी। काफी बार इन्हें एग्जाम को 2 महीने बच्चे रिलेशनशिप में आ रहे। अब इस दिन के लिए बच्चा 8वीं से रुका था, जाने भी कैसे दे, आप समझ रहे हो क्या, ठीक है, बेचारा बचपन से रुका था। कोई बात नहीं, जाने दे बेटा, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देन स्ट्रैटेजी, बट हाउएवर स्ट्रैटेजी बना लिया मैंने, स्ट्रैटेजी बना ली है, ऐसा होता है क्या, स्ट्रैटेजी बना ली काम हो गया, स्ट्रैटेजी बहुत जोरदार है मेरी, स्ट्रैटेजी से नहीं होता, तो ऑन पेपर कुछ भी कर दे, ठीक है, कुछ नहीं होता, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं होगी गाइस, कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी देयर विल बी सम फ्लॉज, देयर विल बी सम ऑप्टिमाइजेशन टू बी डन। हमेशा बेटर एंड बेटर एंड बेटर करना पड़ेगा। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये आज ऐसा नहीं था, ये स्लाइड जो पिछले बैच में था, पिछले बैच में तो ये प्रोडक्ट ही नहीं था, तो बट स्लाइड तो आज आ गई ना, पिछले बैच में प्रोडक्ट ही नहीं था, 6 महीने पहले प्रोडक्ट था ही नहीं मार्केट में, आ गया ना। क्या हमेशा किसी चीज, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, फ्लॉलेस नहीं होती, ऑप्टिमल नहीं होती, लेकिन आप हमेशा उसको बेटर बना सकते हो बाय वर्किंग हार्ड। इट इज वेरी नेचुरल फॉर द स्ट्रैटेजी दैट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक एंड इट्स एन आर्ट ऑफ पॉसिबल, ठीक है, इट्स एन आर्ट ऑफ पॉसिबल। इट इज वेरी नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक, इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, ठीक है। आर्ट ऑफ पॉसिबल है क्या, वही चीज करो जो पॉसिबल है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक यानी क्या, आप यू कैन से जो भी रियलिस्टिक है वो करो यार, क्या कहते हो, शुड बी डन रियलिस्टिकली एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन थियोरेटिकल कंसीडरेशन, अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। आर्ट ऑफ पॉसिबल, इट डज नॉट प्रिक्लूड सेकेंड बेस्ट चॉइसेस। गाइस थोड़ा सा जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो थोड़ा सा हमने इंपॉर्टेंट वर्ड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। फर्स्ट चॉइस काम नहीं कर रहा है, योर सेकेंड ऑप्शन शुड बी रेडी,
ठीक है. प्लान बी शुड ऑलवेज बी देयर. ठीक है, प्लान बी के हिसाब से तुमने एस्पिरेंट्स तो देखी होगी. यू डिड नॉट सी एस्पिरेंट्स, यू शुड टेक टाइम एंड सी इट, इट्स वर्थ इट. ठीक है, सो ओके सॉरी डज नॉट प्रिक्लूड, यानी सेकेंड चॉइस इंपॉर्टेंट है, प्लान बी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ऑफ. ठीक है, सडन इमरजेंसीज, पर्सुएसिव प्रेशर, परवेसिव प्रेशर, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशन होगा ना. मार्क जुकरबर्ग का फर्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ी था फेसबुक. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, इट वॉज नॉट हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट. ट्राफो डेटा वॉज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, एवरी वन हैज सीन फेलियर. बट देखिए, अगर आपको आपको साउंड स्ट्रेटजी बनानी है तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी हम लोग. इफ यू दैट इज वाई अ साउंड दैट इज वाई इन अ साउंड स्ट्रेटजी इन अ साउंड स्ट्रेटजी अलाउंसेज आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स. शुड ऑलवेज बी रेडी, समथिंग मे गो रॉन्ग. ठीक है, समथिंग कैन ऑलवेज कम अप. ठीक है, आप रिस्क के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अनएंटिसिपेटेड इवेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर आप नहीं कर सकते. ठीक है, बट गाइस यू शुड ऑलवेज हैव अ साउंड स्ट्रेटजी दैट विल बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ द पॉसिबल मिसकैलकुलेशन. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स. ठीक है, चूज वन. स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए या रिएक्टिव? रेज योर हैंड्स, आराम से सोच के बताओ. इसमें आंसर सही होना गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सोचना इंपॉर्टेंट है. हर शेक भी आंसर नहीं दिया बेटा आज, कोशिश तो कर, दिस न्यू चैप्टर यार, कम ऑन. मैंने कहा ना आपका आंसर सही होना गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग, एक पॉइंट. ठीक है यार, या चूज अ साइड इफ यू हैव टू. विधि, इट शुड बी रिएक्टिव. हाउ मेनी ऑफ यू डिसएग्री विथ हर आंसर? How many of say strategy should be proactive? How many should be strategy should be proactive? Yes, sir. Proactive. Kitne log kehte hain reactive? Kitne log reactive? It should be reactive. It should be reactive. Okay, okay. So guys, मैं क्या कहता हूँ? ये जो पढ़ाई है, मैं बोल लेता हूँ थोड़ा. हमने पढ़ाई एग्जाम से पहले करनी चाहिए, रिजल्ट के बाद? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ. जो लोग रिएक्टिव बोल रहे हैं उनके लिए मेरा सवाल है, क्या हमने पढ़ाई एग्जाम से पहले करनी चाहिए रिजल्ट के बाद? पहले पढ़ना चाहिए ना, तो आंसर रिएक्टिव, तो आंसर शुड बी प्रोएक्टिव. लेकिन सर अगर एग्जाम में फेल हो गए फिर तो रिएक्ट भी करना पड़ेगा ना. द आंसर इज स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्ट. थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना हमने, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना. स्ट्रेटजी में हमेशा आप जगह रखोगे किसके लिए? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. पढ़ा ना हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको हमेशा स्कोप रखना है, बिकॉज हमेशा क्या रहेगा? प्लान बी. तो गाइस इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है, स्ट्रेटजी शुड बी ओके पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. एमसीक्यू बनेगा, हमारा एक भी मार्क नहीं जाएगा बेवकूफी के कारण. क्या कहते हो? अ कंपनी स्ट्रेटजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ. व्हाट डू मीन बाय अ ब्लेंड ऑफ? कॉम्बिनेशन. हाँ हाँ हाँ, मिक्सचर. वेरी नाइस. प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजिशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन. इन अदर वर्ड्स, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up with the uncertain business environment. Proactive strategy is planned strategy, whereas reactive strategy is adaptive reaction. Reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. The biggest portion of company's current strategy flows from previously initiated action and business approaches that are working well enough to merit continuation and newly launched managerial initiatives to strengthen the company's overall position and performance. मैं क्या कहता हूँ? एक मिनट.
टू स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस. अरे लेकिन तुम्हारी कंपनी तो ऑलरेडी अच्छा कर रही है, ये देखो लिखा है यहां पे क्या, देखो ये ऑरेंज में देखो क्या लिखा है, वर्किंग वेल इनफ. आपका बिजनेस तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, काहे नया इनिशिएटिव ले रहे हो बे? गलत गलत. टू स्टैंड एट द सेम प्लेस यू हैव टू रन इवन फास्टर. दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. दिस इज अ पार्ट ऑफ, यानी तुम बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते हो. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो. ठीक है गाइस, कैसा है ना, ये तुम्हारी सीए की पढ़ाई एक दिन में नहीं होने वाली. ठीक है, इट विल रिक्वायर. ये जो ये है ना, देखो जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की, तो मैंने बटरफ्लाई बनाया था, राइट? स्टैटिस्टिकली इसे बटरफ्लाई नहीं कहते हैं, बट मुझे आपको एक मार्क दिलाना है तो इसके लिए हम लोग खुद स्टैटिस्टिशियन बन जाएंगे. ठीक है, यहां पे हम लोग छोटा छोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, छोटा छोटा ग्रोथ कर रहे हैं, तो अब एक पॉइंट हर दिन छोटा छोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. तो अब अगर डे वन से कैलकुलेट करेंगे तो हमने ग्रो किया है. स्ट्रेटजी ग्रोथ की नहीं थी, लेकिन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करते चले गए तो हम लोग कहीं ना कहीं जरूर पहुंचे. काफी लोग पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, और इतना सारा है पढ़ने के लिए. स्टार्ट विथ पेज नंबर 1, यू विल ऑलवेज कंप्लीट इट. ठीक है, देर शुड बी ठीक है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट. एंड देयर, अगर आपको डिस्पेयर वाली फीलिंग आ रही है कभी, ऑलवेज रिमेंबर, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टांसेस आर, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू. ऑलवेज रिमेंबर, देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव इनफ फाइनेंसिस टू डू क्लासेस, बट दे विल नॉट लूज होप, दे विल स्टिल पास. ठीक है, बिकॉज दे विल वर्क hard at the right time, because they will not stop incremental improvement, because at the end of the day a little bit of incremental improvement over a long period of time will certainly give you growth. ठीक है, तो guys पढ़ाई करते करते एक point ऐसा आता है जहां पे लगता है I've done too much and not gained anything as such. बहुत पढ़ना यार, बहुत पढ़ना, इतना सारा बच्चा है कैसे करूंगा. तू शुरुआत तो कर. ठीक है, तू शुरू तो कर, खत्म. अगर क्लास खत्म हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म होगी. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. और टाइम बहुत है हमारे पास, क्योंकि टाइम कितना भी दे दो, कितना भी टाइम दे दो, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी लेस नो मैटर हाउ मच टाइम यू गिव. ठीक है, जैसे हम देखे लाइक आपके पास अभी कितना समय है एग्जाम के लिए? I guess you must have 4-5 months at your. So 5 months is 150 days. 150 days. Yes. 150 din. 150 days. It's a fortune. It's not enough. It's luxurious time that you have. Yes, sir. CA IPC से था हमारे वक्त. मेरे सर ने वादा किया था मुझे कि आपको 4 महीने की छुट्टी देंगे आर्टिकलशिप में. हमारे वक्त सीपीटी के वक्त, सीपीटी यानी सीए फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली इंटर आर्टिकलशिप होता था, और आर्टिकलशिप के 1.5 साल के बाद आप इंटर दे पाते थे. तो हमारी क्लासेस आधी 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 हुई थी, टूटी फूटी आधे सब्जेक्ट के. तो इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वी वर द फर्स्ट वन टू गिव द एग्जाम ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. हम पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने एसएम का पेपर दिया. पहले सिर्फ आईटी होता था 100 मार्क का. तो टीचर होना तो दूर की बात, तो फिर टीचर बन गया आखिर में. ठीक है, एसएम का. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस, ना टीचर था, ना टीचर था तो नोट्स क्या थे. यानी जो हमारे आईटीएसएम के टीचर थे जिनके पास हमने क्लास लगाई थी, उन्होंने हमको पूरा आईटी, ही वाज एन इंजीनियर, उन्होंने पूरा 60 दिन हमको आईटी पढ़ाया. और उन्होंने बोला आखिर में कि एसएम सेल्फ स्टडी वाला है, तुम कर लेना. हम सब देख रहे एक दूसरे की तरफ, हम इसके भरोसे पे आए थे और ये भगवान के भरोसे पे. ठीक है, और उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूं, मैंने, मेरे को जो जो आता था वो पढ़ा दिया, तुम्हारे कोर्स का जो है तुम वो पढ़ लेना इसमें से. भगवान है, भगवान है पकवान. उस दिन था टेंशन आ गया था कि भाई अब इसमें से छाटना है कि हमारे काम का क्या है. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. आई होप द लेवल ऑफ नर्वसनेस वी मस्ट बी इन. अच्छा, सर ने 4 महीने कहा था, 4 महीने कहा था क्या?
चार महीने छुट्टी देंगे। मैं चार महीने, कल से चालू होने वाले थे मेरे, मैं गया सर, सर छुट्टी। बोले किस बात की भाई, मैं एग्जाम है। तो कहते हैं कितने पेपर्स है तुम्हारे, मैंने कहा छः। तभी आईपीसी में छः सब्जेक्ट्स होते थे, अकाउंट्स वन, अकाउंट्स टू एक सब्जेक्ट, कॉस्टिंग एफएम एक सब्जेक्ट, समझ रहे हो, इन्हें उतनी पढ़ाई फॉर लेस मार्क्स, इन्हें 27 चैप्टर अकाउंट्स में, उसमें से 6 चैप्टर पे क्वेश्चन कभी पूछते नहीं थे, पर वो 6 चैप्टर कौन से थे पता नहीं चलता था। ठीक है, आप बहुत ही डेस्परेट हो जाते, कोई बात नहीं, व्हाटएवर। तो मेरे सर ने कहा कि, मैंने कहा पेपर तो मैं सर मैं तो दोनों ग्रुप दूंगा। तो बोले दोनों ग्रुप देके कहां जाएगा तू, मैं कहां जाएगा इन्हें फाइनल में, तो कहता इतनी जल्दबाजी नहीं करते तू एक ही ग्रुप दे। मैंने कहा सर एक ग्रुप क्यों दूंगा मैं, मेरे को समझता नहीं एक ग्रुप वगैरह, मेरे लिए एक एग्जाम ही है और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करूंगा इसको। ठीक है, तो कहते हैं नहीं 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 छुट्टी तो नहीं मिलेगी। मैंने चार महीने का प्लान बनाया था जिसके बीच में मैं दो क्लासेस करने वाला था, अब वो तो ऐसे आग से ऐसे पानी यहां तक भर गया था क्योंकि प्लान पूरा बिखरते हुए दिख रहा था मुझे। फिर मैं दूसरे दिन फिर से गया, मैंने कहा सर मजाक कर रहे होंगे कल। ठीक है ठीक है, अब ठीक है, दूसरे दिन गया मैं, तो बोले क्या 25 बार क्यों आ रहा है छुट्टी मांगने। मैंने कहा 25वां अटेम्प्ट नहीं है मेरा, ये दूसरा ही है। तो कहते नहीं नहीं बेटा छुट्टी नहीं मिलेगी, तो अगले महीने आ। तो मुझे बुरा लग गया, मैंने कहा ठीक है लॉ तो हम ऑफिस में ही बैठ के पढ़ेंगे, सबको बुरा फील करवाएंगे। तो मैं लंच टाइम में ठीक है जल्दी से खाना खा के 5 मिनट में बचा हुआ 25 मिनट्स में लॉ पढ़ता था ऑफिस में, कि सबको बुरा फील हो, सब मेरे क्वार्टिकल सर को बोले कि जाने दो बेचारा पढ़ने वाला बच्चा है इसको, ठीक है इसको करने दो, हमको मत दो छुट्टी इसको। बट मेरे आर्टिकलशिप फेलो आर्टिकल्स भी कहते हैं ये क्या उखाड़ लेगा, इस टाइप के सबका बिहेवियर था। कोई बात नहीं, तो मैं सर के पास एक महीने बाद गया, तो बोले नहीं नहीं इतनी छुट्टी थोड़ी मिलती है, 2 ही महीने की छुट्टी मिलेगी। फिर उसके बाद मेरा मैं सब प्रेशर में आ गया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ लगी नहीं यार, लेकिन सिर्फ गाड़ी टूटी थी, 2 टुकड़े हो गए थे गाड़ी के मेरे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके उस रीजन से भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फिर 2 महीने बचे रहे, तब गया सर के पास, तो उनको बताया 2 महीने, तो कहते नहीं नहीं अभी तो ऑडिट का सीजन है, तू कहां जा रहा है, तू तो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं सर। बोले तू है, तुझे पता नहीं है। गाइस फिर लड़ झगड़ के रो रा के ठीक है हाथ पैर जोड़ के 42 डेज का लीव मिला था, 42 डेज, यानी 1.5 महीना भी नहीं यार, 1.5 महीना भी नहीं। ठीक है, उसमें से मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिट, ठीक है ये सारे सब्जेक्ट्स, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे क्योंकि उस वक्त टीचर्स नहीं होते थे इन सब्जेक्ट्स के, यानी नोट्स भी नहीं थे मेरे पास, सेल्फ स्टडी तो छोड़ो, फिर मैंने नोट्स खरीदे। ठीक है, छुट्टी मिलने का पहले नोट्स खरीदे फिर पढ़ा। एंड गाइस रिजल्ट में आई हैड 42 इन अकाउंट्स, ऑल द अदर 5 सब्जेक्ट्स वर एग्जेम्प्ट। और रोते नहीं बैठा मैं कि 42 दिन है क्या करूंगा, हमको ये पास करना ही था। देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू हो नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे आउट। पीपल विल क्रीप अराउंड, पीपल विल टेल यू, योर फ्रेंड विल कॉल यू एंड टेल यू दैट ही इज गिविंग ओनली ग्रुप 1 बिकॉज इट इज एन ईजियर ऑप्शन, योर फ्रेंड इज स्टूपिड। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दो 2 महीने के लिए। अगर वो तेरा सच्चा दोस्त रहेगा तो एग्जाम के बाद आएगा वापस तेरे पास, अगर तेरा सच्चा दोस्त नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो छोड़ना, अपने को कौन सा बैगेज कैरी करना है, अपने पास बहुत है, पूरा इंस्टाग्राम पड़ा है, किसी को भी ऐड कर ले। ठीक है, आ जाओ। सॉरी, द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ कंपनीज करंट स्ट्रेटजी फ्लोस फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड लॉन्च मैनेजर। दिस पार्ट ऑफ मैनेजमेंट गेम प्लान इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव, स्टैंडिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड स्ट्रेटजिक थिंकिंग अबाउट कंपनी सिचुएशन एंड इट्स कंक्लूजन अबाउट हाउ टू पोजिशन टू कंपनी इन द मार्केट प्लेस एंड टैकल द टास्क ऑफ कंपीटिंग फॉर बायर्स पैट्रोनेज। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड पैट्रोनेज? अगर यह आंसर आपने दे दिया ना तो तुम सही में सीए फाउंडेशन पास होना डिजर्व करते थे, ऐसा मान लूंगा मैं। रेज योर हैंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैट्रोनेज? वेरी गुड यश, वेरी गुड देशना, यश बोल बेटा। बायर का फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निकिता, इट इज, निकिता इट इज लॉयल्टी।
बायस पैट्रोनेज यानी बायर की लॉयल्टी. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. बट नॉट इवन स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डेलिबरेट मैनेजमेंट डिजाइन. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. When the market and competitive condition take an unexpected turn or some aspect of company strategy hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment is required. Crafting a strategy does include stitching together a proactive and then adapting first one piece and then another in circumstances surrounding the company's situation change or better options emerge. Okay, a reactive or adaptive strategy. So guys, the final question is strategy proactive or reactive? Both नहीं, partly proactive and partly react. ठीक है. So guys, that's ठीक है. This is very, very, very important. तो guys, हमने strategy पढ़ लिया, हमने management पढ़ लिया. It's time to study strategic management together. In a hyper competitive marketplace, oh my goodness, hyper tension, यानी क्या? अब ये नॉर्मल अपने को समझता नहीं. हाइपर कॉम्पिटेटिव यानी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केटप्लेस. कंपनीज कैन ऑपरेट सक्सेसफुली बाय क्रिएटिंग डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू द टारगेट कस्टमर्स एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू अडॉप्ट टू कंटिन्यूअसली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट. टू मीट द चेंजिंग कंडीशन इन द इंडस्ट्रीज कंपनीज नीड टू बी फार साइटेड एंड विजनरी. कंपनी के पास क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए ऑफ द फ्यूचर. ठीक है. या strategic planning is an important component of SM involving developing strategy to meet competition and ensure long term survival and growth of the company. Guys, company ne long term mein survive bhi karna chahiye aur sath sath mein grow bhi karna chahiye. Wipro kitni purani company hai? 1945. Guys, company ne survive bhi kiya aur company ne grow bhi kiya. ठीक है. ये दोनों हमें मिलने चाहिए. वी वॉन्ट बोथ दिस थिंग्स. हमें दोनों चाहिए. वी विल नॉट सेटल फॉर लेस. क्या कहते हो? वी विल नॉट सेटल फॉर वन ग्रुप. लाइक वी विल नॉट सेटल फॉर वन ग्रुप. वी विल नॉट. हमने डिसाइड किया है. डिसाइड कमिट सक्सीड एंड ऑफ द स्टोरी. ठीक है. वंस वी हैव डिसाइडेड वी डिसाइडेड फॉर एवर. विल बर्न इट. ठीक है. सो एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सर्वाइवल ग्रोथ कुछ याद आ रहा है? सर्वाइवल स्टेबिलिटी ग्रोथ. ये सारे उस आंसर से रिलेटेड है. वह हाँ, तुमको मैं 25 आंसर लर्न करा के दूंगा जिसको तुम हर आंसर में यूज कर पाओगे. देख लेना. द सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए. वेरी बैड. ऐसे ये काटो इसको काट दो. द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ SMR twofold टू क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस ओवर द ठीक है कंपटीटर्स. क्या कहते हो? तुम्हारे पास एक कंपटीटिव एडवांटेज होना चाहिए कि तुम आउट परफॉर्म कर दो कंपटीटर्स को. ठीक है. इंडिया में 1,00,000 रुपए के ऊपर वाला कोई एप्पल फोन के अलावा कोई फोन है? सैमसंग ने लॉन्च किया था, फिर उसको हैवी डिस्काउंट करके 70,000 पे ला दिया. एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट. सैमसंग जेड इज, यस इट इज 1.5 लाख. ठीक है. और मुझे बताइए, ठीक है मैं इसको चेक कर रहा हूं. तो ओके ओके 80 लोगों ने खरीदा भी है. वेरी नाइस. कितने लोगों ने खरीदा है? 80 यानी सॉरी सैमसंग का 150,000 का फोन है, 80 लोगों ने खरीदा है. गारंटी कहता हूं मैं, गारंटी 1 साल बाद ये लोग 70,000 में बेचेंगे बिग डिस्काउंट वाले में इवेंट में. अच्छा, जब तुम्हारे कंट्री में कोई दूसरा कंपनी 1,00,000 रुपए से ऊपर फोन नहीं बेच रहा है तो एप्पल वाले को इतनी जरूरत कि 1,60,000 तक उनके फोन के रेट चले गए. एम आई राइट? और बेच भी देते लाखों यूनिट्स. क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. सैमसंग का क्या प्रॉब्लम है? 2 साल होने के बाद यहां वहां हर जगह हैंग होने लगता वो.
फीचर है उसका वो, फीचर है उसका वो, ठीक है, टू क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ठीक है। सो गाइज आपको स्ट्रेटेजी पायरामिड यूज करना पड़ेगा टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कल जाके आप चले गए और एक बीकॉम का स्टूडेंट चले गया इंटरव्यू के लिए, ठीक है गाइस, किसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा बताओ? मिलेगा जो तुम्हारे पास होगा, वो तुम्हारे पास जो होगा वो होगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। यार कंपनी को सेल करवाना है तुमने, यू हैव टू मेक श्योर दैट द कंपनी सक्सेसफुली, ठीक है, ग्रोस थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो दैट इज व्हाई यू रिक्वायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक हल्का सा डेफिनेशन डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं, चलेगा ना? डायग्राम्स वगैरह चलते हैं ना आपको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिनको नहीं चलते हाँ बोलो, हाँ बोलो, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ठीक है, या फिर मेरा बेटा मेरी बेटी, इन्हें बचपन से आपने देखा होगा मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा ऐसा होता है ना हर पेरेंट्स का। हम जाके स्कूल में टिफिन खा रहे थे, वो बात अलग है, लेकिन हमारे पापा का क्या था कि तुमको अच्छा पढ़ा लिखाना, ठीक है, और तुम भी इतने रात को भूखे प्यासे, ठीक है, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो कहीं कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करो, आपके डैड का ये क्या था, विजन, ठीक है, और फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पापा के विजन को आप सपोर्ट कर रहे हो, 9th से 10th से जब से होश आया ने जब से पता चला कि स्कूल जाके सिर्फ टिफिन नहीं खाना पड़ता, हाँ ठीक है, जब से नाइन से बच्चे पढ़ने लगते हैं वो सीरियस हो जाते हैं, है राइट? तो हम लोग भी फिर ऑब्जेक्टिविटी बनाते हैं, 10th में इतने परसेंट लाने, मुझे 12th में इतने परसेंट लाने अगर एग्जाम हुए तो, ठीक है, सीए फाउंडेशन में मुझे इतने परसेंट लाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आर्टिकलशिप यहां से करनी है, मुझे बिग फोर में जाना है, यानी 8th 9th से ही थोड़ा सा एक पिक्चर बनाना चालू हो जाता है, वो क्या है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स, उस ठीक है विजन को प्रोग्रेस करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को सिक्योर करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए तुमने एक स्ट्रेटजी बनाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये जरिया है ना तुम्हारा, सीए इज अ जरिया, सक्सेसफुल होना हमारे डैड का विजन था। अब सक्सेसफुल होने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, कंपनी सेक्रेटरी कर लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कर लो, एमबीए कर लो, ये जरिए है, तुम में बात होनी चाहिए, बंदे में बात होनी चाहिए। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हो तो शायद डे वन पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूं, एम आई राइट? क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या नहीं? No. आज इंपॉर्टेंट नहीं है, No. आज इंपॉर्टेंट नहीं है, सर आपने एग्जाम दिए ना, आपने एग्जाम देखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है गाइस, बंदे में बात होनी चाहिए। Yes. आप समझो, तुम भी ये समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जरूरी नहीं है, नहीं है, इट इज नॉट द ओनली स्ट्रेटजी, तुम में बात, कैंडिडेट में बात होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटजी। अब तुमने सीए सिलेक्ट तो कर ली, सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी वेल, सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी, और ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती हो जाए, तो यू हैव टू मेक करेक्टिव एडजस्टमेंट। आराम से सोच के बताओ गलती कहां हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन में हो सकती है, और कहीं स्ट्रेटजी में गलती हो सकती है, सीए करनी नहीं चाहिए थी, इसके बस की नहीं थी, इसने तो शेफ ही बनना चाहिए था, होटल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ही गलत थे, तूने सोचना ही नहीं चाहिए था अच्छा, तूने बचपन से ही सटोरिया बनना चाहिए था, ठीक है। सो गाइस लेट्स चेक इट आउट, आपका क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है मैंने, द टर्म एसएम रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटजी एंड मेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट, और करेक्शंस कहां हो सकते हैं,
पापा तुम्हारा विजन ही गलत था, तुम्हारा बेटा बचपन से ही बर्बाद था। तुम अच्छी चीजें मेरे को लेके सोचने ही नहीं चाहिए थे, मैं बचपन से ही ठीक है गुंडा टाइप का इंसान हूं, ठीक है नाम बनाऊंगा मैं, अलग तरीका होगा, विजन विजन गलत हो सकती है, ऑब्जेक्टिव गलत हो सकते हैं, स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन पे आप हमेशा इंप्लीमेंटेशन गलत होता है, ज्यादा स्टूडेंट यही कहते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो करेक्टिव एडजस्टमेंट कैन बी मेड एनीवेयर। सो दिस इज द डायग्राम फॉर यू कैन से अ जनरल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, विल यू मेक वन? ये डायग्रामेटिकली बनाओगे तो याद रह जाएगा, क्राफ्टिंग है ना टू मेक टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी, टू क्राफ्ट मींस टू मेक टू डेवलप, alright guys, I hope it is done. Yes, sir. So guys, the last para, SM involves developing the company's vision, environmental scanning, both internal and external. Oho, aagya environmental scanning, both internal and external. Strategy formulation, theek hai? Strategy implementation and evaluation and control. Originally called business policy, strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of company's strength and weakness and designing strategies for survival and growth of the company. If you go through this paragraph, you'll understand ki ye pure paragraph mein pura chapter zero chupa hua hai. Dekha aapne? Company's vision, environmental scanning, environment ke andar do factors, external or internal. Ab mujhe aapko ye sikhana nahi hai. Aap samajh rahe ho? मैं चैप्टर जीरो में रेडी करके आया हूं तो यार ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, मैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पॉइंट्स भी लर्न करा चुका हूं तुमको, उस एक्सटर्नल के अंदर मैक्रो माइक्रो बोलता तो भी डर नहीं लगता मुझे, ठीक है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एम्फसाइज़ेस द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of company's strength and weakness and designing, theek hai, strength and weakness kahan se laoge, SWOT, and designing the strategies for survival and growth of the company. Okay, so guys, yes, that's all about the introduction of SM, theek hai. Tomorrow we shall study importance of strategic management, ठीक है, द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड जो हमने कभी नहीं पढ़ा स्ट्रेटजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, सो गाइस दैट्स दैट अबाउट द वेरी ओके फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसएम, जीरो चैप्टर के बाद फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। सर आइगर एंसॉफ इज द फादर ऑफ एसएम, याद रहेगा? ऑलराइट गाइस, alright guys, that's that then, thank you so much, this is Pawan Gaukar signing off, see you in the next video, till then, till then take care of yourself, study well, bye bye. Bye.